हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टेक्निक में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो स्ट्रीम एपीआई से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना ये है कि कन्वर्ट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टू लिस्ट ऑफ इंटीजर। जैसे कि आपको एक स्ट्रिंग दिया हुआ होगा, जैसे 1, 2, 3 कॉमा बेस्ड सेपरेटेड, एंड इसको आपको लिस्ट ऑफ इंटीजर में ऐसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, और अपने पास सॉरी स्ट्रिंग क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 10, राइट, कुछ भी ले सकते हैं ये। तो अब इसको हम लोग को लिस्ट ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग है तो इसको हम लोग को स्प्लिट करना होगा, और स्प्लिट हम लोग किसके बेसिस पे करेंगे, स्प्लिट करेंगे हम लोग कॉमा के बेसिस पे। तो आइए करते हैं इसको str, और स्प्लिट करके हम लोग एरे में ना स्टोर करके सीधे लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं। तो लिस्ट में स्टोर करने के लिए अपने पास क्या है, तो arrays.as list, और इसमें हम लोग क्या पास करेंगे, str.split, और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में हम क्या डालेंगे कि भाई तुम कॉमा के बेसिस पे स्प्लिट करो। ठीक है, और इसको हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, तो इसको हम लोग रख लेते हैं s list नाम दे देते हैं ना, s list, और ये किस टाइप का होगा, तो आप चाहो तो आप खुद से भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो जनरेट भी करा सकते हो। किस टाइप का होगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग। ठीक है ना, लिस्ट को अपने को इंपोर्ट करना होगा, तो लिस्ट Ctrl 1। ठीक है ना, सही है। ठीक है, अब इतना करने के बाद अगला अपना स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि हम लोग को इसको लिस्ट ऑफ इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, तो लिस्ट ऑफ इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए अपने को क्या करना होगा, s list dot stream, और इसके बाद स्ट्रीम के बाद क्या करना होगा, मैप करना होगा। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रिंग है, फ्लैट मैप नहीं भाई, अपने को चाहिए केवल मैप, है ना। अच्छा, अब बाय द वे आपको मैप और फ्लैट मैप में डिफरेंस नहीं पता, तो मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जावा स्ट्रीम एपीआई करके एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें ये मिल जाएगा आपको। और भी मैंने स्ट्रीम एपीआई के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो आप चाहो तो उनको देख सकते हो। ठीक है, तो मैप, और क्या है आपको पता ही है, जैसे जब हम लोग स्ट्रिंग टू उसके लिए इंटीजर कन्वर्ट करते हैं, तो अपने पास एक पार्स इंट करके एक मेथड है ना, तो हम भी वहाँ यहाँ पे वही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंटीजर, और यहाँ पे मैं मेथड रेफरेंस यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि मेथड रेफरेंस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, इसके कितने तरह के हैं, 4 तरह से बेसिकली मेथड रेफरेंस हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्स एंड देन इंट, ओके। तो ये क्या कर देगा कि अपना जो भी इधर से स्ट्रीम आ रहा होगा, डेट इज ये स्ट्रिंग टाइप का जो भी आपका स्ट्रीम आ रहा होगा, उसको ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। उसके पहले भी अगर मैं ये कन्वर्ट करने से पहले अगर आपको मैं प्रिंट करके दिखाऊं, तो यहाँ देखो आप, अगर मैं सिस आउट करता हूँ और एस लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करा देता हूँ, तो आप देख पाओगे रन करने पे कि क्या होगा, अभी भी हम लोग को लिस्ट दिख रहा होगा, ये देखो 1, 2, 3, 4, 6, 10 दिख रहा है। यहाँ तक अगर इंटरव्यूअर स्ट्रिंग लिस्ट के लिए ही बोल रहा है, तब आप यहाँ से भी दिखा के उसको बोल सकते हो, बट अगर वो बोले नहीं यार ये तो तुम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग दिखा रहे हो, मुझे लिस्ट ऑफ इंटीजर में चाहिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो, राइट। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, stream.map integer.parsing, और इसको क्या करोगे आप, किसी चीज़ में कलेक्ट कर लोगे, लिस्ट
ही चाहिए तो अपने को क्या करेंगे, कलेक्ट एंड देन कलेक्टर्स, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, राइट, टू लिस्ट, बस हो गया। और इसको आप एक नॉर्मल लिस्ट के अंदर चाहो तो स्टोर करा लो, या रिजल्ट जो भी आप चाहो लिख सकते हो। तो इस ये किस टाइप का होगा, लिस्ट एंड देन इंटीजर, ओके, यहाँ एक स्पेस दे देना होगा, ठीक है। सेव करते हैं इसको, अब रन करते हैं। आप नहीं, रन करने से पहले अपने को इसको प्रिंट भी करा के देखना होगा। इसको करते हैं सिस आउट, सिस आउट, और यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट, कंट्रोल एस, ठीक है, एंड देन रन करते हैं। तो रन करने पे अपने को क्या मिलता है, देखो 1 2 3 4 6 10, जो कि इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप आराम से इसको बता सकते हो। ये तो अपना पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी है अपना, वो देख लेते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, मतलब ये भी आसान है बट ठीक है। इसमें क्या है, स्क्वायर द गिवन नंबर एंड फाइंड एवरेज ऑफ द रेस्ट ऑफ द नंबर इफ देयर स्क्वायर इज लेस देन 100। इसमें क्या कह रहा है कि पहले जो है, जो नंबर दिया हुआ है उन सबको क्या करना है कि स्क्वायर करना है। जैसे एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, दो का कितना हो जाएगा 4, 10 का कितना हो जाएगा 100, और इसका कितना हो जाएगा 121, राइट। तो पहले तो इनको स्क्वायर करना है, उसके बाद क्या करना है कि फाइंड एवरेज ऑफ द रेस्ट ऑफ द नंबर इफ देयर स्क्वायर इज लेस देन 100। तो ये वैसे नंबर का अपने को एवरेज निकालना है जिनका जो स्क्वायर है वो 100 से कम हो। तो अपने पास दो ही नंबर बचते हैं, 1 और 4, राइट। तो इनका अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 4 × 1 कितना आ जाएगा 5, और 5 / 2 कितना आना चाहिए 2.5, राइट। तो ये अपना क्वेश्चन है, तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे करना है ना। तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट system.out.println को, बस यहाँ से कमेंट डाल देता हूँ क्वेश्चन 2, है ना। तो अब अपने पास क्या है, एक सपोज एक लिस्ट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर, एंड देन इसका नाम लिस्ट नहीं रख सकते हैं, एल ले लेते हैं, और इसको हम लोग स्ट्रीम डॉट ऑफ, ये भी एक स्ट्रीम बनाने का, नहीं स्ट्रीम डॉट ऑफ से बनाएंगे तब वो हो जाएगा, स्ट्रीम यहाँ पे लिस्ट की जगह स्ट्रीम लिखना पड़ेगा। तो हम लोग एरेज डॉट वो एज लिस्ट से बना लेते हैं, एरेज डॉट एज लिस्ट, और यहाँ पे अपन लोग क्या पास कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं नंबर, क्या था अपना 1 2, देन क्या था अपने पास 10, एंड देन क्या था 11, राइट। तो ये अपने पास एक लिस्ट तैयार है। अब इसके बेसिस पे हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तीन का स्क्वायर निकालना है, राइट। तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रीम यूज करेंगे, स्ट्रीम पैरेलल, स्ट्रीम से भी काम बन जाएगा बट जरूरत है नहीं अपने को, तो स्ट्रीम देन स्ट्रीम डॉट अपने को क्या करना है स्क्वायर। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, मैप। जब भी आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी हो तो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग मैप, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं नंबर, सपोज आई, तो अपना अगर आई आएगा तो आई को क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, तो i × i, राइट, ये हो गया। तो हमारा इस यहाँ से स्क्वायर निकल के आ जाएगा, इसको मैं नीचे कर देता हूँ, बेस्ट रहेगा, एंड देन यहाँ से मैं करता हूँ डॉट। उसके बाद क्या करना है, अपने को फिल्टर यूज करना है, तो फिल्टर, और फिल्टर में हम क्या करेंगे कि जो आई होगा, राइट, वो क्या होना चाहिए, आई लेस देन 100 होना चाहिए, क्योंकि मैप करने के बाद अपना जो वैल्यू है वो सारा स्क्वायर हो गया रहेगा। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि आई जो है, जो भी हमारा अभी स्ट्रीम आ रहा है, वो क्या होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए। उसके बाद अगर 100 से कम है तो क्या करना है, इसको
कलेक्ट, देन कलेक्टर्स डॉट, एक एवरेज निकालना, तो एवरेज निकालने के लिए एवरेजिंग इंट, एवरेजिंग डबल, एवरेजिंग लॉन्ग करके एक मेथड है। तो अपने पास तो क्योंकि इंटीजर हम लोगों ने ले रखा है तो एवरेजिंग इंट का यूज कर लेंगे, ठीक है। और एवरेजिंग इंट के अंदर हम लोगों को क्या पास कर देना है, आई पास कर देना है, राइट। जो भी आई आए बस वही यूज कर लो आप, ठीक। और इसको करो यहाँ पे टर्मिनेट, और इसको स्टोर कर लो किसी वेरिएबल में। तो इसको सपोज मैं रिजल्ट नाम से कुछ एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और ये क्या होता है ना, एवरेजिंग इंट जैसे आप यूज करोगे ना, तो लेकिन ये रिजल्ट किस में देगा, डबल में देगा। यहाँ देखो है ना, डबल में देगा, क्योंकि मे भी हो सकता है कि जब आप एवरेज करने जाओ तो डेसिमल पॉइंट में रिजल्ट है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डबल लिख लो, या फिर इक्लिप्स से अगर यूज कर रहे हो तो आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है ना, डबल में रिजल्ट आएगा। ओके फाइन, अब हमारे पास रिजल्ट आ गया, अब हम लोग को इसको प्रिंट करा के देख लेना है। तो हम लोग इसको सिस आउट कर देते हैं, सिस आउट, और यहाँ पे अपन प्रिंट करा देते हैं रिजल्ट, सेव करते हैं, रन करते हैं, ठीक है ना। 2.5 यही अपने को चाहिए भी था, है ना, तो यानी अपने ये प्रोग्राम सही चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे, कुछ भी आपने इससे सीखा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हो, या फिर आपको ऐसे ही जावा से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ, ठीक है। चलो फिर वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।